टेक्सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो और ये है आपके अगले तीन मंथ कैसे रहेंगे कोई भी तीन मंथ्स आने वाले पुराने फ्यूचर के कभी भी आपके नेक्स्ट थ्री मंथ्स कैसे रहेंगे फ्रेंड्स मैजिक वेंस टेरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो फ्रेंड्स अगर अभी तक नहीं करा है तो कर दीजिए बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें फ्रेंड्स ताकि आप कभी भी कोई भी रीडिंग मिस ना करें मैं रोज़ पोस्ट करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अक्टूबर की रीडिंग्स चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड पिकर कार्ड रीडिंग्स ऑल्सो फ्रेंड्स मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन की रीडिंग्स भी पोस्ट कर दी हैं काफ़ी सारी रीडिंग्स तो आप देख लीजिएगा अक्टूबर हॉरोस्कोप्स भी आ रही हैं जल्द ही सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वाटर साइंस कैंसर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियोबाइसिस आपके नेक्स्ट थ्री मंथ्स कैसे रहेंगे पहले तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स एज मैजिक वैस टेरो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विज़िट करें वेबसाइट डब्ल्यू और फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है इट मे रेजोनेट और इट मे नॉट सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए बाकी को जाने दीजिए टेंशन ना लिया करें फ्रेंड्स और अगर आप अपनी खुद की साइट्स या चैनल्स प्रमोट करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ना करें प्लीज़ मैंने बहुत सारे लोग देखे Uh, आप मुझे भी देख रहे हैं मैं काफ़ी टाइम से इट्स बीन ओवर टू इयर्स प्रॉब्ली जहाँ मैं यूट्यूब पे हूँ आई डोंट प्रमोट माई मैं आपकी चैनल पे जाके अपना वर्क प्रमोट नहीं करती हूँ सो so प्लीज़ आप भी ना करें रिस्पेक्ट करें इस कम्युनिटी का इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कम्युनिटी इफ़ यू आर डूइंग गुड जॉब पीपुल विलकम डोंट वरी अबाउट इट बट प्लीज स्कॉर्पियो पाइसीज लेट्स फर्गेट दैट ये सब चलता रहता है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट चलिए देखते हैं हाउ यू आर फीलिंग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज वॉट यू आर फीलिंग करंटली फिर हम देखेंगे आपके नेक्स्ट थ्री मंथ्स कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हाओ यू आर फीलिंग राइट नाओ वाओ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस पेज ऑफ कप्स आपकी ख़ुद की एनर्जी हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ थ्री ऑफ रॉड्स किंग ऑफ रॉड्स यू वांट एक्सपेंशन आपका फोकस सारा जो है फॉरवर्ड फ्यूचर पे है एक्सपेंशन पे है आपको पैशन चाहिए आप श्योर हैं आपको क्या चाहिए कमिटमेंट uh, चाहिए फ्यूचर के लिए आपको पैशन चाहिए फॉरवर्ड मोमेंटम चाहिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस अब आपको ज़्यादा प्यार मोहब्बत और ये सब में नहीं आपको फॉरवर्ड फ्यूचर में प्रोग्रेस चाहिए सक्सेस चाहिए एम्बिशन चाहिए हाउ आर दे फीलिंग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज या डेफिनेटली आपने कुछ टावर मूवमेंट्स तो झेले हैं इन द पास्ट बट uh, आप उनसे अब रिकवर करना चाहते हैं आप उनसे अब uh, उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए फ़ोकस हो गए हैं बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली आई थिंक uh, अभी भी वो पास्ट की चीज़ें आपको कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हर्ट तो कर रही हैं बट फ्रेंड्स uh, आपने फोकस बना लिया है कि अब आप फ्यूचर पे फोकस करेंगे और ज़्यादा पास्ट में नहीं देखेंगे आई फील एक न्यू स्टार्ट पे आप लोगों का ध्यान है या आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने करियर में लव में Uh, जहाँ पे भी जिस भी एरिया में आप हैं आप एक न्यू स्टार्ट को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आई ऑल्सो फील आप काफ़ी एम्बिशली या पॉजिटिवली सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में आप लोग कुछ बड़े ड्रीम्स या गोल्स के बारे में फोकस कर रहे हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आई डो फील कि कोई एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है या जिनका आपको अभी भी वेट है या जिनके साथ आपका ये टावर मूवमेंट हुआ था यू uh, डोंट लाइक like इट लेकिन आप उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्राम इट हो सकता है अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो या आपके पेरेंट्स हों या आपके हस्बैंड या वाइफ हों या कोई फादर इन लॉ मदर इन लॉ हों जिनके साथ ये टावर मूवमेंट हुआ है आपका बट यू आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ इट यू आर यूर फोकस इज ऑन फ्यूचर यू डोंट वॉन्ट टू डील विद इट सो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट थ्री मंथ्स कैसे रहेंगे कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस कैंसर ओके फर्स्ट फर्स्ट मंथ की एनर्जी ये यहाँ पे है सेकेंड मंथ की एनर्जी देखते हैं फॉर हाउ द सेकेंड मंथ विल बी फॉर कैंसर कोई से भी मंथ हो सकते हैं फ्रेंड्स अभी वाले नेक्स्ट थ्री मंथ्स या फ्यूचर में कभी भी नेक्स्ट थ्री मंथ्स आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं टाइमलेस रीडिंग है नेक्स्ट थ्री मंथ्स वा विच इज कमिंग टू टेन ऑफ पेंटिकल्स द फोर ऑफ पेंटिकल एंड द थर्ड मंथ हाउ द थर्ड मंथ विल बी आप इसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर ले सकते हैं कैसे भी ले सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी मंथ के लिए जनवरी फेबररी मार्च वाव ओके दैट कार्ड वांट्स टू कम आउट ये भी लेंगे चलिए देखते हैं सो फ्रेंड्स डेफिनेटली जो फर्स्ट मंथ है उसके कार्ड से आपके द नाइट ऑफ पेंटिकल्स हायरोफेंट एंड द टेम्परेंस डेफिनेटली फ़र्स्ट मंथ में आपका जो फोकस है वो ज़्यादातर मनी uh, पे रहेगा करियर पे रहेगा और सही चीज़ों पे रहेगा यू नो लाइक सही चीज़ है इन द सेंस कि वॉट इज़ राइट फॉर यू वॉट यू हैव टू डू इन लाइफ यू नो कोई आपके साथ सही कर रहा है या नहीं एक तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे वर्क और करियर और होम लाइफ के बीच में करियर और होम के बीच में या लव और वर्क के बीच में यू विल बी वर्किंग टू मेक बैलेंस इन दैट एरिया ऑफ योर लाइफ आई ऑल्सो फील कि आपको कोई वेट है फर्स्ट मंथ के अंदर न्यूज़ या मैसेजेस का रिगार्डिंग एग्जाम्स हैं कोई रिजल्ट्स है, हैं प्रमोशंस हैं जॉब का वेट है आपको तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी कोई केप्रिकॉन वर्गो टॉरस पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे इन द फर्स्ट मंथ डेफ़िनेटली uh, हो सकता है ये आपके सेम उम्र के हैं ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं मुझे तो सेम एज के लग रहे हैं दिस पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है या आपको जॉब ऑफर करें या पैसे वगैरह या इनके साथ मिलके आप जॉइंट वेंचर करेंगे ऑल्सो मुझे लग रहा है कि न्यू लव इंटरेस्ट की तरह भी आएंगे बट दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड दिस पर्सन इज़ क्विट औरथोडॉक्स ऑल्सो और हो सकता है ये अरेंज मैरिज प्रपोजल की तरह आपकी लाइफ में आए सो दैट इज़ ऑल्सो अ चांस फॉर सम ऑफ यू सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू मेक दिस अगर ये रिलेशनशिप की तरह आ रहे हैं न्यू पर्सन तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये रिलेशनशिप चलाने में या उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको बैलेंस करने में um, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है देखिए मैंने एडवाइस इसको क्लैरिफाई किया तो डेविल की एनर्जी आई है सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट यू एंड हो सकता है ये अपने पास्ट से रिकवर नहीं कर पा रहे अगर ये न्यू पर्सन है या ये आपके पास्ट से ही हैं सो दे कांट फर्गेट यू दे वॉन्ट यू बट दिस रिलेशनशिप हैज़ टू टू इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बैलेंस बनाने के लिए ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके वर्क आप अपने वर्क को लेके भी जो है थोड़े अपसेस्ड हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज स्टडीज़ को लेके वर्क को लेके तो फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको और तो ऐसे हो सकता है कोई टेम्पटेशन आपको मिले इन द फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट मंथ कैंसर स्कॉर्पियो बाइसिस के आपको ऐसे टेम्पटेशन मिल रही है जैसे कोई कह रहा है कि अरे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए डबल हो जाएगा डबल हो जाएगा डबल तो आप मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स वो धोखा हो वहाँ से जो ट्रेडिशनल काम है वही करें ज़्यादा चक्करों में ना पड़े लॉस हो सकता है डेविल की एनर्जी है टेम्पटेशन tempt, की एनर्जी है वर्क में मनी में और लव में सो बी केयरफुल ऑल्सो फ्रेंड्स टेम्परेंस की एनर्जी है तो यू विल नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू बैलेंस योर लाइफ अगर आप लोग इन टेम्पटेशन से दूर रहेंगे और खुद ही बैलेंस रहेंगे तो ये मंथ बहुत स्मूथली जाएगा आपका चलिए नेक्स्ट मंथ देखते हैं आपका कैसा रहेगा सेकंड मंथ जो है येस yes, आपकी विशेज सेकंड मंथ में पूरी होने वाली है जो फर्स्ट मंथ में आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको सेकंड मंथ में काफ़ी अच्छा मिलेगा आपकी विशेज़ पूरी रहेंगी पूरी होंगी आप थोड़ा हैप्पी फील करेंगे लाइटर फील करेंगे आप इंजॉय कर पाएंगे लाइफ को आप अपनी फैमिली के साथ वर्क टाइम स्पेंड करेंगे टेन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली कोई मैरिज कोई वेडिंग में जाएंगे आई ऑल्सो फील आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से भी मिलेंगे मनी बहुत आ रही है अगर आपने कोई काम शुरू करा है या वर्क कर रहे थे आप फर्स्ट मंथ में उसका रिवॉर्ड सेकेंड मंथ में मिलेगा बहुत सारा पैसा आएगा और हो सकता है कोई वेडिंग हो जाए आपकी मैरिज भी हो जाए या कोई बात पक्की हो जाए एंगेजमेंट हो जाए ये एनर्जी भी है आई ऑल्सो फील फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है मुझे लग रहा है इस मंथ सेकेंड मंथ में कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आपको एक काम करने की बहुत ज़रूरत रहेगी कि आप एक तो खर्चा ना करें पैसे आएंगे तो आपको थोड़ा मन करेगा कि आप ओवर स्पेंड कर दें जैसे घर में किसी की शादी है तो यू वॉन्ट टू ओवर स्पेंड या घर का कोई काम चल रहा है तो यू वॉन्ट टू ओवर स्पेंड या आप uh, कपड़े खरीद रहे हैं यू वॉन्ट टू ओवर स्पेंड ऑल्सो जब आप शेयर कर हैं, तो रहे हैं अपनी बातें तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा ज़्यादा शेयर ना करें क्योंकि मुझे लग रहा है देर आर पीपल हु मे नॉट बी जिनको थोड़ा सा जेलेसी हो सकती है आपके सक्सेस से टू ऑफ पेंटिकल्स देखिए काफ़ी बिजी रहेंगे आप सेकेंड मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे वर्क भी रहेगा लव भी रहेगा फैमिली भी रहेगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रैवल भी करना पड़ेगा सो तो थोड़ा पैसे को बचा के या वाइजली यूज़ करें अगर आपको फर्स्ट मंथ में हो सकता है कोई टेम्पटेशन दे रहा था और उससे थोड़ा सा आपने ले ली के देखिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए इससे थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो हो सकता है अब सेकेंड मंथ में आ जाए लेकिन फिर आप एक बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें और आपको पता चले ओ अब ज़्यादा करने पे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया सो फ्रेंड्स टेक केयरफुल एंड कीप योर ऑप्शन और योर अपनी फीलिंग्स अपने पास रखें Uh, ज़्यादा किसी से शेयर ना करें ऑल्सो आप काफ़ी बिजी रहेंगे तो गेट रेडी फॉर देट आपकी विशेज़ भी पूरे होने वाली है पैसा डेफिनेटली आ रहा है कोई वेडिंग uh, वगैरह को भी आप मेरे को लग रहा है वेडिंग है या फैमिली में कोई फंक्शन है वो भी आप होस्ट uh, करेंगे या yeah, उसकी प्रिपरेशंस करेंगे जो थर्ड मंथ है वो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है सिक्स ऑफ कप्स डेफिनेटली आपका फोकस जो है आपके पास्ट पे रहेगा रिलेशनशिप्स पे ट्वेंथ फ्लेम पे हस्बैंड या वाइफ पे रहेगा पास्ट uh, के फ्रेंडशिप्स जो हैं बचपन के दोस्त उन पे आपका uh, ज़्यादा फोकस रहेगा थर्ड मंथ के अंदर ऑल्सो आई फील थर्ड मंथ में आपको ज़्यादा काम करने का भी मन नहीं करेगा यू विल वॉन्ट टू जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड थिंक या टॉक विद फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम आप बातें करना प्रेफ़र करेंगे ज़्यादा काम करने का मन नहीं करेगा ऑल्सो आई फील कोई पास से आ रहे होंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है जिन्होंने आपको धोखा दिया था ये टावर मूवमेंट दिया था वो पर्सन आपसे थर्ड वर्न्थ के अंदर बात करना चाहेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू हो सकता है वो पैसे की वजह से आपको छोड़ गए या रिलीजन कल्चर की वजह से या करियर की वजह से बट दे वॉन्ट यू बैक और आप भी शायद उनको उनसे बात करेंगे क्योंकि आप भी थोड़े बोर हो गए ये सिर्फ काम और ये सब करते हुए सो यू आर ऑल्सो मिसिंग दैम दे आर मिसिंग यू यू वॉन्ट टू टॉक टू दैम दे वॉन्ट टू टॉक टू यू आई डो फील कि वो पर्सन जो है आपसे बात करना चाहेंगे या आपसे बात करेंगे या आप उन्हें मैसेज करेंगे लेकिन हो सकता है वो जवाब ना दें या थोड़ा लेट जवाब दें या वो ऐसे जवाब दें जैसे आप कह रहे हैं हे हाव आर यू डू यू मिस मी डू यू लव मी तो वो एक बड़े कैजुअल जवाब दे रहे हैं या आई एम फाइन लाइफ इज़ गोइंग गुड तो आपके फीलिंग्स को इग्नोर कर सकते हैं तो आपको अभी भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इन द थर्ड मंथ बिकॉज़ ये पर्सन पास्ट की चीज ये पर्सन अभी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इनकी श्योरिटी अभी भी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर क्वीन ऑफ रॉड्स देखिए एरीज लियो सैच पर्सन ये पर्सन जिन्होंने टावर मूवमेंट दिया है वो थर्ड मंथ में आ रहे हैं आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा फ्रेंड्स क्योंकि हो सकता है ये पर्सन थोड़े वैसे ही हों अभी भी सन की एनर्जी है हाँ स्टार्ट तो ज़रूर अच्छे से होगा लेकिन हो सकता है चीज़ें वापस वैसी चली जाएं या थोड़े आप बोर हो जाएं उनसे आई डोंट नो आप दोनों ही थोड़े बोर होके मिल रहे हैं क्योंकि आप उब गए हैं तो आपने सोचा चलो अब यही बात कर लेते हैं हाल पूछ लेते हैं सो यू नो थिंग्स विल स्टार्ट ऑन अ गुड वे बट हो सकता है वापस वो वैसी ही हो जाए जैसे टावर मोमेंट आने से पहले थी सो या लेटेस सी कि आपको क्या ब्लॉक करेगा इन नेक्स्ट थ्री मंथ्स वॉट आर द ब्लॉक्स अफेक्टिंग यू नेक्स्ट थ्री मंथ्स नाइट ऑफ़ कप्स देखिए डेफिनेटली प्रपोजल्स आ रहे हैं आइडियाज़ लोग आपको प्रपोज बहुत करेंगे लोग आपको नए नए आइडियाज़ देंगे लोग आपको टेम्प्ट करेंगे तो ये एक ब्लॉक की एनर्जी है और एट ऑफ कप्स जी आ, आपको डेफिनेटली जिन चीज़ों को छोड़ के आप मूव ऑन कर चुके हैं वहाँ से आपको वापस जाने का बहुत मन करेगा ये उन, उन चीज़ों पर आपका पास्ट पर फोकस रहेगा लेकिन वो ब्लॉक कर रहा है आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं तो मत सोचिए पर आप सोचेंगे क्योंकि वो एक ब्लॉक है आपके लिए वो आपको खुद ही बैलेंस करना है कि कैसे करेंगे ऑल्सो ये टेम्पटेशंस आएंगी कैंसर स्कॉर्पियो पाए एरीज लियोस एच के प्रिकॉन वर्गो टॉरस पर्सन टेम्पटेशन आएंगे लोग आएंगे जो टेस्ट करेंगे आपको रोकेंगे आपको आगे बढ़ने से और आपको जो है थोड़ा सा डिटर्मिनेशन शो करना पड़ेगा आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करियर में और लव में लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो आप बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे आप बिल्कुल पास्ट पे फोकस ना करें प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करें काम करते रहिए यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इवन इन लव सो व्हाट व्हाट विल फेवर यू इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स चलिए वो देखते हैं द हैंड मैन चीज़ें थोड़ी धीरे चल रही है लेकिन आपको आ, उनको धीरे ही चलने देना चाहिए बिकॉज इन इनमें आपके लिए बहुत फ़ायदा है इट विल गिव यू टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्यों किस लिए हो रही हैं कोई लोग किस मोटिव से आपके पास आ रहे हैं क्या करवाना चाहते हैं वो क्या हो रहा है एक नए पर्सपेक्टिव से आप जिंदगी को समझ पाएंगे कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में अटक गई है कोई बात नहीं टेंशन ना लें इट इज़ गोइंग फॉर योर फेवर ओनली क्योंकि वो आपको एक अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ बंद हो गई है तो आपकी लाइफ में कोई और चीज़ चलेगी सो डोंट वरी अबाउट इट जो चीज़ें नहीं चल रही उन पर चिंता ना करें जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में सोचें एम्प्रेस की एनर्जी है डेफ़िनेटली आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी और आपको फेवर करेगी आपकी अपने ऊपर जो बिलीफ uh, है वो काफ़ी हाई रहेगा तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए इंट्यूशन पे क्रिएटिविटी पे अपनी स्किल्स पे ऑल्सो आपका एम्बिशन बहुत ही हाई रहेगा जो एक डिजायर होती है कि कुछ अच्छा करें लाइफ में कुछ नया करें शुरुआत करें कुछ नया क्रिएट करें वर्क में लव में करियर में फैमिली में यस yes. वो एक जज्बा रहेगा आपका वो जोश रहेगा हाउ इज़ द जोश हाय सर सो आप बिल्कुल हाई फील करेंगे यू नो एक्साइटेड ये आपके फेवर में रहेगा और ऑल्सो किंग ऑफ कप्स येस डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेंगे लोग मिलेंगे सपोर्टिव अच्छे लोग मिलेंगे फ्रेंड्स मिलेंगे फैमिली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज पर्सन फादर ग्रैंड फादर वाइफ फादर इन लॉ कोई तो आपको या सीनियर एट योर वर्क सपोर्ट करेंगे और एक नई शुरुआत देंगे आपको सो यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में हैं नेगेटिव्स बहुत कम हैं आपके लिए इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं एंड देन वी विल लुक एट द रोमांस एंजल्स व्हाट इज़ द एडवाइस ओ वाह देखिए कितनी जल्दी आपका कार्ड जंप आउट हुआ है पेशेंस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स आपको क्योंकि डिवाइन टाइमिंग एट वर्क है आप सब कुछ सही कर रहे हैं आपको लग रहा होगा चीज़ें क्यों नहीं हो रही हम कुछ गलत कर रहे हैं नहीं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिवाइन टाइमिंग एक्शन जी हाँ चाहे कितना भी धीरे चीज़ें चल रही हों कुछ ना भी हो रहा हो आप अपना काम करते रहिए कीप डूइंग योर वर्क डोंट फोकस कि कब रिवॉर्ड मिलेगा कब चीज़ें मूव होंगी कीप वर्किंग कीप वर्किंग सिक्सटीन सेवनटीन देखिए आप सिक्सटीन से सेवनटीन पे जाते रहिए चीज़ें अपने आप वर्क करेंगी ब्रोकन हार्ट जी बिल्कुल किसी ने दिल तो आपका तोड़ा है और हो सकता है आप को वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है आप चाह रहे हो कि ये क्यों हुआ किस लिए हुआ समझ आ जाए आई थिंक फ्रेंड्स आप पहले मूव ऑन कर लीजिए सिचुएशन से या थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये सब क्यों हुआ था आई नो यू वॉन्ट क्लैरिटी यू वॉन्ट अ क्लोजर बट आपको ठीक से मिल पता चल जाएगा देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट दैट पर्सन लव्स यू दे वॉन्ट यू बट थोड़ा टाइम है चीज़ें ठीक होने में इस रिलेशनशिप के बेहतर होने में एनी अदर एडवाइस सिक्स चक्र आके एंजल मैटाक्रॉन डेफिनेटली फ़्रेंड्स आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए जो है हायर मैसेजेस जो होते हैं साइंस हैं डिवाइन साइंस हैं ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप उस पर वर्क करते रहिए ऑल्सो मुझे लग रहा है आपको कोई पर्सन आपके साथ हैं जो थोड़ा स्पिरिचुअली या यूँ कहें आ, उनका दिल खुलेगा वो थोड़े मेच्योर होंगे तो थोड़ा वक्त दीजिए इस रिलेशनशिप को मे बी डिवाइन टाइमिंग अभी सही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं रोमांस एंजल्स की आई ऑलमोस्ट ड्रॉप द डेक देखिए ये कार्ड आ गए सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न मैं आपको यही कह रही हूँ थोड़ा सा चीज़ें अभी स्टक है नहीं चल रही हैं क्योंकि पेशेंस डिवाइन टाइमिंग की वजह से चीज़ें खराब चल रही हैं फ्रेंड्स आपकी लव लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप दोनों प्यार नहीं करते हैं या प्यार नहीं है या ये पर्सन अभी रेडी नहीं है हो सकता है थोड़ा सा सेपरेशन का टाइम है एनी अदर मैसेज फॉर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस न्यू लव अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स येस हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपको मिले बिकॉज

सो so फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही मैजिक वेंसटेरो को हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करें मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी और क्या मैं इन्हें कंटिन्यू करती रहा हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट करें वेबसाइट और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह बाय